मम्मी आके बोलती थी आजा अभी पापा की डांट नहीं पड़ेगी. As a family, we didn't know anything other than Ashwin. Whenever she sees my pictures, she still cuts everything and she's kept a file. जब भी मैं खेलता था तभी ज्यादातर विकेट कीपिंग ही करता था बिकॉज अगर पापा आ गए तो मैं उनको बोलता था कि मैं खेल नहीं रहा हूँ. I'm just being part of the match. तो जब डांट पड़ती थी तो इस छोटे से घर में कहाँ छुपते थे आप जाके? कैसा कोई बाथरूम में छुप जाता था. बाथरूम में there was a bathroom this side. I used to lock myself in. और फिर मम्मी बचाती थी. हाँ बिल्कुल. थोड़ी देर बाद मैं 5-10 मिनट बाथरूम में छुप जाता था फिर मम्मी आके बोलती थी आजा अभी पापा की डांट नहीं पड़ेगी. घर पे मैं खेल रहा हूँ वो टूट गया तो अभी छुपाने के लिए मैं क्या करता था, मैंने वो चीज़ को जैसे था वैसे सेट करके रख दिया था. तो जब मम्मी डस्ट वस्ट करती थी तो वो हाथ में आ जाती थी चीज़ें, तभी फिर मुझे वो पकड़ती कि मुझे पता है तुमने, क्योंकि और कोई खेलता नहीं था और कैसे टूटेगी चीज़ें. तो ये सब चीज़ें बहुत डिस्कस करते हम कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या क्या चीज़ें करता था. जनरली व्हेन दे ड्रॉप यू ऑन ऑल इन स्टेट लेवल एंड दैट टू अंडर 14 लेवल इट्स लाइक बेसिकली यू आर डन बॉस. आई मीन दे विल नॉट Nobody will bother about you anymore and you got to lead your life. I was genuinely crushed for the first time. I was actually crying and I was lying down on her lap and I was talking to her. The one thing that she always used to tell me was forget about doing anything. Even if you're not good at anything, you continue playing the game, I'll make sure that you have enough to serve yourself for 3 days, 3 meals a day. To be honest, I am relieved. I don't have a lot of responsibilities now because Pooja has taken over and she's handling everything really well. Yeah. So I can just focus on my game. Sachin once referred to him as a silent warrior. So in this relationship, he's silent and you're the warrior. No, he's silent also and warrior also. When did he goof up the most? And was super embarrassed and came and said, listen, sorry, yaar, I just messed up. Have you? Like, have you said sorry? Really? Okay. I'm the one who always says sorry in the relationship. That's how it is. For me, it's taken me like almost 8 odd years to realize that I'm the one who's always saying sorry. I initially used to think like, oh my God, this girl's so arrogant, man. I mean, in the earlier years, who have I gotten married to? She's so arrogant. She can't even apologize to anything. Actually, my wife is very adhyatmik. So, what she thought of, I don't know. So, then I argued with her with her. कि भाई तू तो माँ है तो ये बताएगी कि भाई ये मेरा लड़का आगे जाएगा इसको कोई रोक नहीं पाएगा. ये मुझे लॉजिकली वो पच नहीं रहा है. तो लास्ट में उसने बोला आप ऐसा करो मेरी बात आपको एक कागज़ ले जाओ मैं लिख के दूँ कि दो चीज़ मैं लिख के दे दूँ कि ये इंडिया खेलेगा और इसको कोई नहीं रोक पाएगा. फर्स्ट सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस था उसका कि आपको एक भी रुपया उसको कमा के नहीं देना पड़ेगा. उसी टाइम तो ये कोई पॉसिबल नहीं था ये आईपीएल कुछ नहीं था. तो आज ये बात उसकी जो है वो 100% सही है सही पड़ी है. लेकिन थोड़ा दुख इसलिए कि वो हाजिर नहीं है. माय मदर आल्सो टेल्स मी दैट आई नेवर इमेजिन समथिंग लाइक दिस वुड हैपन. पीपल वुड रिकॉग्नाइज यू. व्हेनेवर शी सीज माय पिक्चर्स शी स्टिल कट्स एवरीथिंग एंड शी इज केप्ट अ फाइल. अभी तो पता नहीं कितनी फाइल हो गई है बट शी स्टिल केप्ट इट टुगेदर एंड शी स्टिल डज इट. वो बहुत प्रेशर ले लेती है. वो अगर वो टीवी में अच्छा नहीं जाए टीवी बंद कर देगी या चैनल चेंज कर देगी. आई यूज टू टेल अश्विन व्हेन यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम बीसीसीआई इट्स नॉट दैट 1% प्लेड एंड अर्निंग मनी. 3 people आर प्लेइंग अश्विन. सी यू आर प्लेइंग यू विल नॉट गो थ्रू दैट ऑल पैल्पिटेशन. आई एम सीइंग दैट. सी व्हेन यू आर बैटिंग आई एम लिटरली होल्डिंग द बैट एंड सीइंग अयो माय सन इज बैटिंग. लॉट ऑफ थिंग हैज गॉन इन टू अश्विन्स लाइफ एक्चुअली. लाइक एज अ फैमिली वी डिडंट नो एनीथिंग अदर देन अश्विन.